हेलो दोस्तों, बैक टू द पार्ट्स ऑफ द माइनक्राफ्ट। सो आज हम लोग फिर से वार्डन और म्यूटेंट मॉब के साथ वार्डन की लड़ाई करवाने वाले हैं। एंड आप लोगों को तो पिछले वीडियो में पता ही रहा कि हमारा विदर स्केलेटन एक मैच जीत चुका था एंड बाकी सारा राउंड हमारा वार्डन नहीं जीता था, क्योंकि वार्डन भाई अपना इतना खतरनाक है ही है भाई, कितना खतरनाक है हमारा वार्डन आप लोगों को पता ही होगा। एंड फिर से आज हम लोग वार्डन की लड़ाई करवाने वाले हैं म्यूटेंट मॉब के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो अपने हम लोग यहाँ पर अपने वर्ल्ड में आ चुके जो मैंने बनाया था। एंड यहाँ पर एक अरीना टाइप मैंने पूरा बेडरॉक के साथ बनाया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कितना खतरनाक सा बेडरॉक बनाया था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ चेंजेस आए कि मेरे पास जो सर्व सेंसर थे मैंने उसको हटा के ये टारगेट सेटर ले लिया। एक मॉड डाउनलोड किया मैंने बेसिकली, जिससे हम लोग एक दूसरे में भिड़ा सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें चेस्ट जिसके अंदर से हम लोग निकालने वाले हैं म्यूटेंट हस्क का स्पॉन एग। एंड वार्डन एंड म्यूटेंट्स को हम लोग लड़वा देने वाले म्यूटेंट हस्क को। एंड यहाँ पर म्यूटेंट हस्क देख सकते हैं भाई हम लोग कितना खतरनाक है। एंड यहाँ पर हम लोग टारगेट सेटर से इन दोनों को भिड़ा देते हैं। एंड भाई मार्शाले की खोपड़ी फोर पर चेतावनी जो देते हैं ना, बहुत ही खतरनाक लगता है मुझे भाई। एक बार फिर से लगा देते हैं। अरे चालू हो गया भाई, चालू हो मार्शाले की खोपड़ी फोर, तोड़ दे उसकी खोपड़ी तोड़। अरे भाई वो गिर गया भाई, गिरने का भाई एक्टिंग क्यों करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता भाई एक्टिंग करते। इससे बेस्ट एक ही बार में मार खा ले, वैसे भी देखो मरना ही हमारे वार्डन से भाई। मार वार्डन मार, तू मुझे क्या देख रहा है हस्क। अरे भाई वेदर भी खराब हो गया यार, कोई बात नहीं मार, ये मुझे ही देख रहा है, तुम ये मुझे मारने के चक्कर में पड़ा है भाई, मुझे मत मार, मैं क्रिएटिव में मुझे मत देख। अरे भाई हमारा वार्डन तो हाथ घुमाए जा रहा है हवे में भाई, मार दिया हमारा वार्डन प्रो है यार। और यहाँ पर जो कचरा मिल रहा है इससे भाई रोटेन फेस क्या क्या देता है। ठीक है तो नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम लोग टाइम सेट डे कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि रात होने वाली है। एंड यहाँ पर हम लोग इसके अंदर हम म्यूटेंट हस्क को रख देते हैं एंड एंडरमैन का स्पॉन एग ले लेते हैं। एंड हाय भाई कैसे हो, तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टाइम सेट डे कर लेते हैं। टाइम सेट डे नहीं, हम लोग वेदर क्लियर करना था, तो वेदर कर देते हैं हम लोग यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर मैंने कर दिया। एंड अभी वेदर हमारा क्लियर हो जाएगा भाई। ये बाहर क्यों मारा सोनिक बूम से भाई, मत मार भाई, बाहर क्यों मारने लगता है हमारा वार्डन, हमारा वार्डन गधा है क्या। ओ भाई हमारा अंडरमैन देखो भाई कितना तगड़ा आ गया है भाई, सब उसके हाथ तो देखो भाई एकदम डरावना सा लग रहा है ये। एंड ये कौवे में अटक चुका है, उसको तोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको भी तोड़ दो भाई, सब तोड़ दो भाई, मार दो वार्डन तो मार यार, ये बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। उसके हाथ देखो ना कितने खतरनाक भाई, पाँच पाँच उंगली भी है वार्डन के हाथ में उंगली, पहली बार देखो। अरे भाई आत्मा, अरे भाई कितना चिल्ला रहा है ये भाई, भाई सब अरे ब्लास्ट भी दे रहा है भाई, ये तो तेरी भैंस की, मैं तेरे को मार देगा भाई, मेरी स्क्रीन भी हिल रही है यार, देखो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मेरी स्क्रीन हिल रही है। और भाई ये क्या आत्मा चमचे भेज दिया अपने भाई ये एंडरमैन तो। अरे भाई मैं भी गिर गया, रुक जाओ इसको तोड़ देते पहले सबसे पहले कॉबवेब। एंड भाई मारो वार्डन तो मर ही जाएगा, मेरे को लग रहा भाई एंडरमैन बहुत खतरनाक है। और हमारा एंडरमैन कहाँ गया, अरे भाई ये इसी में से कोई एक मतलब बॉडीगार्ड में से एक ही बना था, ये खुद ही बन जाता है, मतलब ये भाई मतलब स्टेज शिफ्ट भी करता है अपने, ठीक है भाई ये बहुत प्रो है हमारा एंडरमैन भाई। मतलब बेडरॉक के आर पार इन लोग क्यों लड़ रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अंदर राजा अंदर लड़ ले, बहुत जगह है अंदर, पर ये टेलीपोर्ट होता है ना, तो टेलीपोर्ट करके फिर से बाहर जा सकता है। ये क्या हुआ अभी भाई, अरे ये क्या स्लोनेस दे दिया मुझे, नौजिया का इफेक्ट दे दिया और स्ट्रेंथ का भी भाई, मेरी पूरी स्क्रीन नाचने लगी भाई। और ये फिर से चमचा बन गया, मतलब बॉडीगार्ड बन गया, मतलब क्या बोलूँ आत्मा बन गया। और ये फिर से बाहर निकल, देखो यहाँ पर, और भाई ये बैठ क्यों रहा है भाई, इसको बाथरूम लग गई क्या बैठ क्यों रहा था ये भाई, मार दे यार, मेरा वार्डन मर भी गया यार भाई, हमारा वार्डन मर गया भाई। ये मैच हमारा एंडरमैन जीत चुका है एंड हमारा ये वार्डन हार चुका है, ये बेसिकली ये मैच। एंड भाई बहुत, अरे भाई फिर से क्यों दे रहा, दो मिनट बोल लेने दे यार, इसको क्या चिल्ला क्या रहा है बार बार, तेरी फेंस के मार दूंगा मैं, तेरे तलवार तेरे टकले में घोप दूंगा यार, दिमाग मत खराब कर भाई। फिर से इन्हीं में से कोई एक में बन गया ये, फिर से देखो कोई भाई, देखो कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं में से कोई एक ये है भाई, क्या करने का, ये मेरा पूरा भाई मैच खराब कर दिया इसने। ओके तो यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं, रुक जा तेरी भेज की, इसको मैंने एक हिट में मार दिया। सो नेक्स्ट हमारा है, इसको रख देते म्यूटेंट स्केलेटन भाई, म्यूटेंट स्केलेटन भाई खतरनाक है क्योंकि नाम से ही लग रहा है, इसको कचरा फेंक देते हैं। एंड यहाँ पर अभी हम लोग समन करेंगे, और हमारा वार्डन मर चुका है एंड इसको समन करते हैं, एंड हमारा वार्डन को भी समन कर देते हैं। भाई मेरी स्क्रीन क्यों हिलवा रहा है भाई, तू मैं मार देगा, तेरी खोपड़ी फोड़ देगा भाई, इसके पास चार तो छोटे नमूने बन जा रहे हैं ये भाई, क्या है यार ये, ले भाई तेरी भैंस के निकल जाए यहाँ से, तेरे को भी
भाई। अरे भाई मैंने गलती से दो स्पॉन कर दिया, सॉरी। अब तो वो मरना पड़ेगा भाई, अब इसको मारना पड़ेगा क्योंकि दो स्पॉन कर दिया। हमारा वार्डन दो से तो लड़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मैंने एक को मार दिया एंड देख सकते हो आप लोग। एंड हम लोग अभी हम लोग वार्डन को अपने स्पॉन करने वाले हैं। एंड हमारा वार्डन स्पॉन कर दिया एंड टारगेट लॉक कर देते हैं। इन दोनों में फाइट चालू हो चुकी है भाई। मार साले की खोपड़ी पर, स्केलेटन को तो मार सकता है हमारा वार्डन, एंड नहीं मारा तो हमारा वार्डन कहता है नुबड़ा है इन सब म्यूटेंट मॉब के सामने। एंड भाई उसने मार दिया, पर इन लोग भी मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। इसको डैमेज कैसे पड़ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक ये एंडरमैन ने क्या किया धरा है। एंड भाई ये मार दे यार तू, इसको पीछे से एंडरमैन भी मार रहे ना, ये डिसएडवांटेज हो गया। अरे भाई मार दिया, फैला दिया उसकी हड्डी वड्डी गुल हो गई भाई। और ये गुस्सा कर रहा हमारा, और इस वार्डन को भाई मारना पड़ेगा क्योंकि ये देखो ना ये एंडरमैन तेरी भैंस के निकल यहाँ से। ये एंडरमैन तो चिल्ला चिल्ला के मेरे कान का पर्दा फाड़ रहा है, और इसके पास दो हाथ एक्स्ट्रा भी आ गए। तेरी भैंस के निकल जाए यार, चिल्ला के आ रहा तेरी भाई निकलना यार, तू वीडियो खराब कर रहा है यार, गुस्सा आ रहा है। अबे यार सॉरी, नहीं आ रहा गुस्सा कुछ नहीं भाई यार, तू क्या कर रहा है। ओके तो मैंने उसको मार दिया, मैंने मतलब जो टारगेट सेटल था मैंने उसको वार्डन के साथ उधर एक बार लड़ाई करवा दी है वहाँ पर दूर। एंड यहाँ पर हमने वार्डन समन किया, तो अब हम लोग लेंगे हमारा म्यूटेंट स्केलेटन वुल्फ। स्केलेटन वुल्फ नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, म्यूटन स्केलेटन वुल्फ भाई, हड्डी वड्डी क्या है इसको छोड़ते मतलब स्केलेटन स्केलेटन ही है। एंड यहाँ पर हम लोग पहले हड्डी और एरो फेंक देते हैं, एंड यहाँ पर हमारा म्यूटन स्केलेटन को लड़वा देते हैं हमारे वार्डन से। और यहाँ पर लड़ाई चालू हो चुकी है भाई, हड्डी है यार, हड्डी तो एक ही बार में मर जाएगा। अरे भाई तीन चार हिट में मर गया वो भाई, हमारे वार्डन कितना ज़्यादा खतरनाक है यार। इसको रख देते हैं यहाँ पर। एंड हमारा नेक्स्ट म्यूटन क्रीपर, वो भाई म्यूटन क्रीपर का क्या मार, इसको इधर लग देते हैं एंड टारगेट इधर सेट कर देते हैं। एंड भाई ये गुस्सा चालू, और भाई ये क्रीपर भाई मार रहा है वो गर्दन से ऐसे ऐसे करके मार रहा है भाई, वो कितना फनी लग रहा है यार हमारा। पर वार्डन मार क्यों नहीं रहा, ये बाहर कहीं मारने के चक्कर में पड़ा है। रुक तेरी भैंस की गौ माता, आप जाओ यार, आपकी वजह से मेरा वार्डन यहाँ पर गुस्सा हो गया है। एंड यहाँ पर भाई ब्लास्ट वास्ट क्या करवा रहा है, अरे भाई मार दिया क्या भाई साहब, क्रीपर तो अलग ही भाई खतरनाक। एक बार हम लोगों ने फिर से लड़वा दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर फिर से लड़ाई हो चुकी है चालू भाई हमारा वार्डन। और भाई गर्दन ऐसे ऐसे करके मार रहा है भाई, कितना फनी लग रहा है, बट वो उसके मुंडी में ही मारने जा रहा है वो। और भाई चार्ज हो रहा है, तो फट गया भाई, अपने छोटे छोटे मतलब बच्चे आ गए इसके। अरे भाई ये उसके ऊपर जाके वार्डन को फाड़ रहे भाई। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइम सेट डे कर देते हैं, एंड ये हमारा हो गया टाइम सेट डे। भाई देख रहे छोटे बच्चे को, छोटी बच्ची आ गए भाई यहाँ पर, और इसने मार दिया वार्डन को भाई। कितना प्रो यार तू क्रीपर भाई साहब, कितना प्रो है हमारा क्रीपर, इसने मार दिया हमारे वार्डन को। तो हम मतलब हमारा आज वार्डन दो मैच हार चुका है, एक तो एंडरमैन के साथ और एक क्रीपर के साथ। तो हम लोग यहाँ पर इसका रख देते हैं हम, एंड हमारे चार एग भी और बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करके देना, मैं इसका पार्ट 3 भी बना दूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।